गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। और क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन। आज हम क्या करेंगे? हमने पहले भी पढ़े हैं स्वर और व्यंजन। आज हम क्या करते हैं? उनका रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। क्या करेंगे? फिर से क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन। आज हम इनको अच्छे से लर्न करेंगे और अच्छे से राइट करेंगे। ओके, आज हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। पहले क्या पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं स्वर। क्या पढ़ते हैं? स्वर। ये क्या है? ऐसे अनार। ये क्या है? आसे आम। ये क्या है? ई से इमली। ये क्या है? ई से इख। क्या है? ई से इख। ये क्या है? ऊ से उल्लू। ये क्या है? ऊ से ऊन। ये क्या है? री से ऋषि। ये क्या है? ए से एडी। ये क्या है? आई से एनाख। ये क्या है? ओ से ओंखली। ये क्या है? औ से औरत। ये क्या है? अंग से अंगूर। ये क्या है? अह से खाली। रिपीट अगेन। ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से खाली। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। कैसे? कबूतर। कैसे? खरगोश। कैसे? गमला। कैसे? घड़ी। ऐसे? खाली। जैसे? चम्मच। जैसे? छत्ता। जैसे? जहाज। जैसे? झंडा। जैसे? खाली। तैसे? टमाटर। थैसे? ठटेरा। दैसे? डमरू। ढैसे? ढक्कन। अणैसे? खाली। तैसे? तरबूज। थैसे? थैन। दैसे? दवात। धैसे? धनुष। नैसे? नैल। पैसे? पतंग। फैसे? फैल। बैसे? बकरी। भैसे? भालू। मैसे? मछली। यैसे? यज्ञ। यैसे? यज्ञ। रैसे? रथ। लैसे? लट्टू। वैसे? वक। सैसे? सलजम। सैसे? षटकोण। सैसे? सपेरा। हैसे? हैल। अक्षे से? क्षत्रिय। त्रैसे? त्रिशूल। ज्ञासे? ज्ञानी। उस्रैसे? शर्मित। से शर्मित। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़े हैं स्वर और व्यंजन को साथ में। क्या पढ़ा है? स्वर और व्यंजन को साथ में। ये क्या है आपका? SW। क्या करना है इनको? आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से इनको लिखना है और फिर इनको बार बार बोलने का क्या करना है? अभ्यास करना है। क्या करना है? बार बार बोलने का अभ्यास करना है। क्या है ये? स्वर और व्यंजन। हमने पहले भी पढ़े हैं स्वर और व्यंजन।
आज हम इनको फिर से पढ़ रहे हैं और इनको अच्छे से क्या करना है, इनको अच्छे से स्पीक करना है और अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है। इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। इनको क्या करना है? अच्छे से राइट करना है, फिर स्पीक करना और अच्छे से लर्न करना है। ओके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।